अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को विंड और डिफेंडर के बारे में बात करेंगे कि विंड और डिफेंडर को कैसे इनेबल किया जाएगा। अगर वो डिसेबल हो, टर्न ऑफ हो विंडो डिफेंडर आपका, तो दोस्तों मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मैं पहले चेक करता हूँ विंडो डिफेंडर, यहाँ स्टार्ट पर मैंने क्लिक किया और अब मैं कंट्रोल पैनल पर आ गया। यहाँ पर मैं नीचे आकर विंडो डिफेंडर पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया दिस प्रोग्राम इज टर्न ऑफ। तो यहाँ पर नीचे लिखा है इफ़ यू वुड लाइक टू यूज़ दिस प्रोग्राम क्लिक हेयर टू टर्न इट ऑन। तो मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ पर भी आ गया दिस प्रोग्राम इज ब्लॉक्ड बाय ग्रुप पॉलिसी, तो मैंने ओके पर क्लिक किया। तो दोस्तों अब हम इसे इनेबल करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप स्टार्ट पर क्लिक करके यहाँ पर आपने टाइप करना है RUN और एंटर पर आपने क्लिक करना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये स्पेलिंग आप देख सकते हैं REGEDIT और ये स्मॉल वर्ड में लिखने चाहिए। इसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं सबसे ऊपर गया और इसको मैं माइनस करता हूँ ताकि जितने भी फोल्डर हो वो आपको साफ दिखाई दे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एच की लोकल मशीन, तो इस फोल्डर को मैं ओपन करता हूँ। मैंने प्लस पर क्लिक किया और यहाँ पर नीचे आकर पॉलिसीज़ का जो फोल्डर है अब मैं इसको भी ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट का फोल्डर ओपन करता हूँ और यहाँ पर है विंडोज़ डिफेंडर, तो मैंने इस फोल्डर पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने इस फोल्डर पर क्लिक किया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिसेबल एंटी स्पाईवे, तो आप यहाँ पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ मॉडिफाई पर मैं अब क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक लिखा हुआ है, मैं इसको ख़त्म करके ओके पर क्लिक करता हूँ और अब मैं इसे ख़त्म करता हूँ। अब मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ और रिस्टार्ट करने के बाद जो तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करता हूँ, आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिस्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों अब मैं यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर आ गया और मैं अब विंडो डिफेंडर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडो डिफेंडर इनेबल हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडो डिफेंडर को इनेबल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।